हाय, दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दिस इज बर्मन स्टडी। और आज इस समय मैं मेरा इलेक्ट्रिक लोको शेड में हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक लोको शेड कैसा होता है, इसका क्या क्या काम, कैसा कैसा सेक्शन है। तो देखिए, ये सामने से गेट है, आप ढूंढते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक कैंटीन है। कैंटीन से आगे जाते ही यहाँ पर टाइम ऑफिस है, जहाँ पर आपका नाम लिख के आपको एंटर करना होगा। जहाँ पर एंट्री होता है, यहाँ पर नाम लिख के आपको एंटर करना है, किस वजह से आपका जब टाइम शुरू होता है। तो धीरे धीरे चलते हैं। ये है आपका ऑफिस है, यहाँ पर DE, सीनियर DE, ADE सब बैठता है। यहाँ पर ये ऑफिसर है। और धीरे धीरे घुसते ही सामने है इलेक्ट्रिक लोको सेट, जो आपका बहुत सारा सेक्शन है इसके अंदर। आप इधर अगर चलेंगे तो देखिए, इधर सेक्शन है E5 है। मैं पहले ही बोला था कि यहाँ का एक स्टोर है, यहाँ पर सब सामान रहता है, यहाँ पर आदमी रहता है। और ये सब फील्ड वर्क का जगह है, वहाँ पर जो फील्ड वर्क होता है। और यहाँ पर है जो M5 M3 सेक्शन है, वो मैकेनिकल सेक्शन है, वहाँ पर भी काम होता है, वो अपना अपना सेक्शन काम करता है। यहाँ पर सब सामान है। ये है M6 सेक्शन, ये मैकेनिकल 6 सेक्शन है। सब आज NH है, तो सब छुट्टी है। मैं अकेला इस समय आज शेड में हूँ। मेरा ऑफिस अंदर में है, PPO बोल के, जहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ। यह सब सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ सामान वहाँ पर है। ऊपर में है क्रेन है, उस क्रेन से आपका लिफ्टिंग होता है, लोगों को इधर इधर प्लेस किया जाता है। जो व्हील सेक्शन है उसको भी प्लेस किया जाता है। आप इधर धीरे धीरे आए तो इधर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा है, शेड है। और ये होता है मेरा PPO, जो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफिस जो ऑर्गन है, इस यहीं पर मैं ड्यूटी करता हूँ, यहीं पर मैं बैठता हूँ। ये मेरा जगह है, जी है, यहाँ पर बैठ के मैं काम करता हूँ। यहाँ पर पोजीशन लेना होता है लोगों का, कहाँ कहाँ है वो, यहाँ पर पूरा चार्ट है, लोगों का पूरा चार्ट है यहाँ पर रहता है। जितना भी इंस्पेक्शन होने वाला है, उन लोगों का पूरा डिटेल्स रहता है, इंस्पेक्शन कब हुआ, कब उसका, फिर नेक्स्ट कब होने वाला है। ये TR पोजीशन है, गाड़ी कहाँ का TR में है, कितना क्या इंस्पेक्शन है, सब कुछ डिटेल्स है। इधर भी है, पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन रहता है। और ये है कंप्यूटर में बैठ के हम लोगों को पोजीशन पेपर बनाना पड़ता है, जो हर दिन में तीन बार बनाना पड़ता है। इसका TR पोजीशन सब रहता है, उस हिसाब से बनाना होता है। और ये स्लैम है, यहाँ पर स्लैम है इसके अंदर, तो कंप्यूटर में चढ़ाना पड़ता है, हर एक जॉब कार्ड देना होता है, यहीं से बैठ के जॉब कार्ड भी देना होता है। और यहाँ पर मीटिंग भी होता है, ऑफिसर लोग आके, सीनियर DE ADE सब बैठ के, यहाँ पर जो जितना भी SSC है आके बैठ के मीटिंग होता है। और यहाँ पर बैठ के काम, जितना भी फ़ोन अटेंड करना, मैसेज देना होता है, जो मैसेज रजिस्टर है इसमें मैसेज देना होता है TLC को, बहुत सारा जो भी है वहाँ पर, जितना बहुत सारा की है, चाबी, वो भी देना होता है इसमें। यहाँ पर CCTV जो भी है उसका पूरा सर्वेलेंस रहता है, यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CCTV में दिखाई देगा सब कुछ। और यहाँ पर आपको जो भी काम है आपको बैठ के करना होता है, फ़ोन अटेंड से लेके यहीं पर। ओके, तो यही है मेरा PPO का ऑफिस, जहाँ पर बैठ के काम होता है। ये देखिए, हर एक सेक्शन का ऐसा ऑफिस है, ये बोला हूँ ना, ऑफिस भी है, स्टोर भी है, जहाँ पर सामान रहता है। और उसके अलावा उसका फील्ड में भी काम करना होता है। ये PPO सेक्शन है, ये 24 आवर्स इसका काम होता है, 3 शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। लेकिन जो बाकी जो सेक्शन है वो सिर्फ जनरल शिफ्ट में काम होता है। PPO इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग जितना भी होता है वो PPO के अंदर होता है, गाड़ी को प्लेस करना होता है, कहाँ का प्लेस होगा उस हिसाब से। और इधर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ये मैकेनिकल सेक्शन का, ये E3 ऑक्जिलरी है, E3 पूरा स्टाफ रहता है, वहाँ पर काम होता है। तो बैक टू PPO ऑफिस, माय ऑफिस। सो चलिए, यहाँ पर बैठ के फिर काम शुरू करते हैं। फ़ोन करना है, लोगों का पोजीशन लेना है और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखते रहिए, बहुत बहुत अच्छे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो है कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अच्छे रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय।